जितनी जल्दी राजस्थान में मौसम नहीं बदल रहा उतनी जल्दी तो राजनीति में बदलाव हो रहे हैं। आखिर क्या है यह माजरा? शायद लोकसभा चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं। नेताओं के मिलने का तरीका, नेताओं के देखने का तरीका, उनके बात करने का तरीका बहुत कुछ बयां कर रहा है और इसके चलते कई बदलाव के पहले से ही अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यह बदलाव सूबे की जानी मानी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं। बता दें कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थामने की कोशिश करनी शुरू कर दी है, यानी कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी शुरू कर दी है। गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने तो बीजेपी में शामिल होकर यह बात साबित ही कर दी है। इसके साथ ही अब कई और नेता भी लाइन में लगे हुए हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस को झटका देने के लिए कांग्रेस के आधा दर्जन नेता, पूर्व मंत्री के साथ साथ विधायक भी अलग अलग समय में बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। लेकिन क्या अपनी पार्टी को कांग्रेस ऐसे ही बिखरने देगी? हर किसी के मन में यही सवाल है, भाई आखिरकार ये सबसे बड़ी पार्टी जो ठहरी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में मालवीय के साथ जिन कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में जाने की संभावना जताई जा रही थी उनको जयपुर बुलाकर मीटिंग भी ली गई, लेकिन यह मीटिंग काफी नहीं रही। मालवीय ने जैसे ही बीजेपी का हाथ थामा वैसे ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मालवीय पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। इसके साथ ही डोटासरा और जूली ने मालवीय पर भी तल्ख कमेंट किए। डोटासरा का कहना है कि कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किस उद्देश्य को लेकर गए हैं, किस दबाव में गए हैं, किस लालच में गए हैं, यह सब समय आने पर ही खुलासा हो जाएगा। जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करके और कांग्रेस को माँ कहकर एमपी बने, 5-5 बार विधायक बने, उनकी पत्नी जिला प्रमुख बनी, खुद 2 बार कैबिनेट मंत्री बने, विभिन्न विभाग उनके पास रहे, आज इस उम्र में जाकर यह कह रहे हैं कि मेरी माँ गद्दार निकली, तो उससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। डोटासरा ने कहा कि राजनीति में जो गिरावट आ रही है उसका एक नमूना आपके सामने है। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि अगर नेता प्रतिपक्ष बनने की बात पर ही मालवीय गए हैं तो मैं तो पहले भी उन्हें बनाने को तैयार था। वो कहते तो सही एक बात, जब जाने का मन होता है तो ऐसे ही ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ दिया जाता है। रही बात मेरे काम की तो मैं मेरा काम भली भांति जानता हूँ। जो नेता प्रतिपक्ष का काम होता है वह मैंने किया है, उससे मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वह सर्टिफिकेट मेरी पार्टी और राजस्थान की जनता देगी। आज बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर बौखलाहट में नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि वो नहीं जीत रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन कर बुला रहे हैं। अब बात करें कौन कौन ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, तो पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, उदयलाल आंजना, लालचंद कटारिया, रिछपाल मिर्धा को लेकर लंबे समय से यह सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि नेताओं ने अब इस बारे में कुछ नहीं कहा है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से 3 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, नाम वापसी का समय पूरा हो गया है। इसी बीच चुनाव अधिकारी ने 3 प्रत्याशियों के विजयी होने की घोषणा की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई है, उन्हें कांग्रेस ने राजस्थान से प्रत्याशी बनाया था। वहीं बीजेपी के दोनों प्रत्याशी मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया भी राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। घोषणा के बाद मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया, वहीं सोनिया गांधी की ओर से उनके एजेंट ने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।